बात से शुरू करूं मैं, एक व्यापारी रहा तो उसके पास बड़ा पैसा था। उसका एक मित्र था, वो इंजीनियर था। उसने अपने मित्र को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। उसने कहा मैं पैसा लगाऊंगा, तुम अच्छे सुंदर सुंदर मकान बनो ना, बेच दी। अच्छा चला मामला। वो बड़ा निपुण था, जो इंजीनियर था, बहुत बुद्धिमान, बहुत निपुण, बहुत ही दक्ष। तो वो मकान, सुंदर सुंदर मकान बनाता रहा और व्यापारी पैसा लगाता रहा, वो मकान बिकते रहे और काम चलता रहा। इस दौरान उस व्यापारी की मृत्यु हो गई बीच में। तो व्यापारी का जो बेटा था, बड़ा अभी 20-22 साल का ही है, वो उसने काम संभाल लिया पिताजी। तो वो जो इंजीनियर है वो उसके चाचा जैसा है, उसके काका पिताजी जैसा है, पर वो उनकी नौकरी पर है। तो उसे बड़ी दिक्कत भी आती थी उनसे काम लेने में, मगर वो कहता था कि ऐसा नहीं ऐसा करें, नए जमाने का लड़का था। ये चल रहा था मामला। इस दौरान एक दिन वो इस इंजीनियर ने कहीं कोई सत्संग वत्संग सुन लिया, कोई बात उसके भीतर आ गई, उसको कोई बोध हुआ। उसने सोचा कि बहुत हो गया, बहुत ही हो गया, मतलब एक तो मित्र चला गया, मजा सब चला गया, और दूसरा ये कि ये नया लड़का है और अब ये बताता है क्या करना और क्या नहीं करना, तो वो कुछ जम नहीं रहा मामला। तो वो गया और उसने कहा कि मैं आज से काम पे नहीं आऊंगा, आज से ही, कल की बात नहीं, आज से। तो वो लड़के ने कहा कि चाचा आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, ये छोड़ूंगा यार, मैं जीवन भर तुम्हारे यहाँ काम करता रहा, तुम्हारे पिता के साथ काम करता रहा, कई बरस तुम्हारे साथ काम किया, बस हो गया, आज आखिरी दिन है, मैं धन्यवाद देने आया, मेरा जो हिसाब है कर दो। तो जो लड़का था उसने बड़े अजीब ढंग से उनको देखा और कहा कि ऐसा है कि आप हमारे यहाँ नौकरी में हैं अभी भी, और ऐसे नौकरी थोड़ी छोड़ जाती, आप आ गए आपने कि दे मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। आपके भरोसे मैंने कई लोगों को कमिटमेंट दे रखे, और अभी अभी मैंने एक बड़ा कमिटमेंट, एक बड़ा कंसाइनमेंट लिया है, एक बड़ा कमिटमेंट किया है, एक बड़ा बंगला बनाना है, और वो कौन बनाएगा, आप चले जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप तुम समझते नहीं यार बेटा, मेरी उम्र हो गई, बहुत हो गया, तुम्हारे पिताजी तो यूं ही निकल गए, पर अब मुझे तो जो बरस बचे हैं वो शांति से जीने दो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो नहीं होता। तो बोले क्या चाहते हो? बोले ये आखिरी कंसाइनमेंट पूरा करके जाओ, ये एक बंगला है, ये इसका उसने प्लान व्लान निकाला, उसने कहा इसको ठीक करो, आपके हिसाब से प्लान करो और इसको बनावा, ये इतना बड़ा बंगला जो व्यक्ति है वो चाहता है। उसको इतना क्रोध आया भीतर, बहुत क्रोध से भर गया, बहुत क्रोध आया, और उसके मन में उसको लगा कि यार ये क्या है, मतलब मैंने जीवन भर इनके यहाँ नौकरी की, इनके यहाँ मैंने मेरा पूरा जवानी दे दी, इसके पिता को सारा समय दिया इसको, पर ये व्यक्ति समझ नहीं रहा। तो उसने कहा ठीक है, तो वो काम पे लग गया, काम पे लगा, मगर उस वो जो इतना निपुण था, इतना दक्ष था, इतना क्रिएटिव था, वो कोई चीज बनाता तो बिल्कुल अनूठी बनाता, पर उसने कोई ध्यान नहीं उसका, उसने कहा कैसे तैसे बना इसको, खत्म करो और निकलो यहां से। तो बना रहा, आप किसी ने कहा कि इंजीनियर साहब ऐसी दीवार में कहा ऐसी कड़ी कर दे, उसने कहा दीवार दरवाजा यहाँ की यहाँ, हमने कहा जाते मर्जी लगा दे, खत्म करो, उन्होंने कहा इसको खत्म करो यार, फटाफट फटा खत्म करो, कंसाइनमेंट खत्म हो, मैं मेरे घर जाऊँ, मेरी छुट्टी हो रही फाइनल। कैसे तैसे उसने कैसे तभी वो बंगला बनाया। बंगला जिस दिन पूरा हुआ, वो समय था उनका, वो एक डेडलाइन थी, तो समय पर वो आ गया वो मालिक, उसने कहा कि वो हो गया, उन्होंने कहा भैया ये आपका समय था, आज डेडलाइन थी और ये हो गया क्या। उसने बंगला देखा, उसने कहा कि जितना समय मैंने दिया आपको, काफी समय दिया था, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कमियां इसमें हैं, आप इन सब कमियों को पूरा करें। मैंने कहा देखो भाई साहब बहुत ही हो गया क्या, अब ये जैसा है ऐसा है, समझ में आ गया, और आपको पैसे देना दो मत दो, मैं ये चला। वो लड़का जो सामने खड़ा था उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने कहा चाचा आप तो हमको समझे ही नहीं। उसने जेब में हाथ डाला, एक चाबी निकाली और कहा ये बंगले की ताले की चाबी है, ये बंगला आपके लिए था, ये मेरी आखिरी भेंट थी आपकी। ऐसे हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। कितना दुखी ना हुआ होगा वो आदमी कि ये बंगला वो खुद के लिए बना रहा था, मगर उसने सबसे खराब बंगला बनाया क्योंकि गुस्से में था। इस गुस्से में उसने क्या क्या खोया, एक तो उसने अपनी सृजनशीलता को खो दिया, वो सृजनशील था, वो कलाकार था, उसने अपनी कला को खो दिया। जब आप बहुत क्रोध में होते हैं तो आपकी आपके भीतर जो पोटेंशियल भगवान ने दिया है, जो
जो संभावना है उसको खो देते हैं, आपकी सारी ऊर्जा क्रोध में घुस जाती है, तो उसका सब क्रिएटिविटी जो उससे हो सकता था गजब, जो होता रहा जीवन भर, वो आज खराब हो।